हम आपको बतला दें दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने 31 जनवरी को जूनागढ़ की सरजमीन पर एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में तकरीर के दौरान मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। ये शेर और छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। उसको वायरल करने वाले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे और कुछ कट्टर हिंदू थे। इस शेर को तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया और मुफ्ती सलमान अजहर साहब को फंसाया गया। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहर साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई और आज 11:30 बजे मुफ्ती सलमान अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहर साहब को जूनागढ़ ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने अपने उस शेर की वजाहत बयान की है। कल रात एक तकरीर के दौरान मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने अपने उस शेर की वजाहत बयान की है। ये क्लिप भी आपको हम सुनाएंगे। गुजरात में हमारे मुताबिक कुछ FIR दर्ज की गई और उसको लेकर कुछ लोग परेशान, क्या होगा क्या होगा। मेरे अजीजों, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो, तुम क्यों इतने डरे हुए हो? हमने तो सर जब ओखली में रखी दिया है तो मुसलसल डरना क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। लोगों को ये आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण।